नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अपना ही प्यारा यूट्यूब चैनल देसी वाटिका में। दोस्तों, आज मैं गुलदाउदी की पूरी जानकारी के साथ हाजिर हुई हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों, गुलदाउदी का और भी मैं वीडियो डाली हूँ अपने चैनल पर, तो अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक डाल दी हूँ, आप ज़रूर वहाँ जाकर देखें उस वीडियो को। दोस्तों, गुलदाउदी सर्दियों का बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है जो कि आसानी से कटिंग से ग्रो हो जाता है। अगर आप लोग इस प्लांट को ग्रो करना चाहते हैं तो कहीं से 3 से 4 इंच का कटिंग लाकर आसानी से उसे ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, गुलदाउदी में इतने सारे फ्लावरिंग के लिए कुछ टिप्स आपको मैं पहले भी बताई हूँ और अभी जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा हर एक पौधा एक बुगे बन चुका है, बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग हुआ है मेरे गुलदाउदी प्लांट में। तो इस तरह के फ्लावरिंग पाने के लिए आपको थोड़ा सा केयर करना पड़ता है, थोड़ा सा फर्टिलाइज़र का ध्यान रखना पड़ता है। दोस्तों, इसे कटिंग से ग्रो करने के बाद हर 15 दिन बाद इसे पिंच करना ज़रूरी रहता है ताकि आपका पौधा घना बने। दोस्तों, इस प्लांट को जून जुलाई या लास्ट अगस्त तक आप ग्रो कर सकते हैं। अगर आप अगस्त मंथ में इसे ग्रो करेंगे तो काफ़ी लेट फ्लावरिंग होगा, लेकिन होगा, आप इसे जून जुलाई में आसानी से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, गुलदाउदी के लिए मिट्टी कैसे रेडी करें, उसमें 40% आप गार्डन सॉइल, 30% रिवर सेंड और 30% खाद मिला करके मिक्सचर बनाएं और उस मिट्टी में आप गुलदाउदी प्लांट को ग्रो करें, बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी उसमें। दोस्तों, गुलदाउदी लो मेंटेनेंस प्लांट है, इसे बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, बस इसे आप फंगस से बचा कर रखें और गर्मियों में बहुत ही आसानी से चल जाता है। आप इसे एक मदर प्लांट रख लें और हर साल उसमें से कटिंग से आप ग्रो कर सकते हैं नए नए प्लांट को। दोस्तों, गुलदाउदी बहुत सारे कलर और वैरायटी में आते हैं, मेरे पास ज़्यादा वैरायटी और कलर नहीं है, मैक्सिमम मेरे पास येलो कलर के हैं, लेकिन बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और इसका जो स्मेल है बहुत ही अच्छा आता है। मेरा हर एक गमले में सिर्फ एक ही प्लांट लगा हुआ है, किसी किसी में ही 2 लगा हुआ है, लेकिन एक ही प्लांट इतना बूशी हो गया है और इतना ज़्यादा फ्लावरिंग कर रहा है और काफ़ी बड़े साइज़ का मेरा फ्लावर दे रहा है प्लांट। दोस्तों, अगर आप जून जुलाई में इस प्लांट को कटिंग से ग्रो कर लेते हैं तो आपको नवंबर दिसंबर तक इसमें फ्लावरिंग आना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, आप एक बात का खास ख्याल रखें कि इस प्लांट को हर साल कटिंग से ही ग्रो करें, एक मदर प्लांट रखें, एक गमले में इस प्लांट को बचा कर रखें और उसमें से कटिंग के थ्रू आप ग्रो करें इस प्लांट को। दोस्तों, कटिंग से ग्रो किया हुआ प्लांट में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है और बहुत ही बड़े साइज़ का फ्लावरिंग आता है और उसका कलर भी बहुत ही वाइब्रेंट होता है, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। दोस्तों, गुलदाउदी का एक खासियत है कि आप एक साल अगर अपने गार्डन में इसे ऐड कर दें तो फ्री में हर साल आपको बहुत सारे प्लांट इससे मिल सकते हैं। और दोस्तों, इसका फ्लावरिंग जो होता है लॉन्ग लास्टिंग होता है, बहुत ही ज़्यादा टाइम तक बना रहता है इसका फ्लावर, तो ये और अच्छा लुक देता है आपके गार्डन को, पूरा भरा भरा सा इस टाइम लगता है आपका गार्डन और आपका गमला तो एक मानो बुगे ही बन गया होता है। दोस्तों, अगर इस प्लांट को आप गमले में नहीं लगाकर ज़मीन में भी लगाना चाहते हैं तो काफ़ी आसानी से लग जाएगा और काफ़ी अच्छी तरह से वहाँ पे भी ये फ्लावरिंग करता है। दोस्तों, जब इस प्लांट में बर्ड्स आने लगते हैं उसके बाद में इसमें कोई भी खाद मत ऐड कीजिए और जब ये बर्ड्स खिलने पे आ जाते हैं तो आप इसमें नीम खली और मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र का लिक्विड बना करके इसमें ऐड कर सकते हैं और कोई भी फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको। दोस्तों, गुलदाउदी का और भी वैरायटी है मेरे पास, एक तो मिनिएचर वैरायटी है जो बटन साइज का एकदम है, छोटा छोटा सा उसमें फ्लावरिंग होता है, लेकिन ये बहुत ही बड़ा साइज़ का फ्लावर इसमें आता है, काफ़ी अच्छा लगता है और भरा भरा सा लगता है, ये देखिए मैरून कलर का है मेरा गुलदाउदी। दोस्तों, ऐसे तो बहुत सारे कलर्स इसमें आते हैं लेकिन येलो कलर का बात ही कुछ और होता है, काफ़ी अच्छा लगता है मुझे
और ये मैरून कलर, ये भी बहुत ही अच्छा लगता है। और ये एक ही पॉट में दो कलर का मैं कॉम्बिनेशन लगाई हूँ, तो काफ़ी सुंदर लुक इसका भी आ रहा है। दोस्तों, जब आपका प्लांट पूरी फ्लावरिंग कर लेता है तो आप उसे हैज में या ऐसे सर्कल में बना करके अपने गार्डन को डेकोरेट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगेगा। ये देखिए, मैं सर्कल यहाँ पे बनाती हूँ, बहुत ही सुंदर लग रहा है। दोस्तों, गुलदाउदी केयर का और भी मेरे चैनल पे वीडियो है, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी उसका लिंक। और आज की जानकारी, आज का वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने बगिया का ख्याल रखिए। बाय।